कहते हैं इंसान को जब दुविधा होती है तो वो सवाल करता है। ऐसे ही एक इंसान को दुविधा हुई और उसने भगवान से सवाल किए और फिर आई गीता। तो आज हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है मत भागवत गीता, और हमारे साथ है हमारे माइथोलॉजिस्ट तरुण। गीता के बारे में बहुत सारे सवाल रहते हैं, मतलब हर घर में मिलती है, हमारे धर्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमारे पास कुछ सवाल है हमेशा की जैसे। तो तरुण, की गीता जो है ये क्या है? क्या ये अलग से लिखी गई है, क्या ये महाभारत का हिस्सा है? गीता या स्पेसिफिकली भगवद गीता ये अलग से कोई किताब नहीं है, महाभारत का ही पार्ट है। इट्स अ डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, जो कि कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे ही वो कॉन्वर्सेशन होता है। सो इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो और महाभारत में केवल एक यही गीता नहीं है, और बहुत सारी गीता है, बट ये स्पेसिफिक गीता जो है ये कृष्ण द्वारा कही गई अर्जुन को है, भागवत गीता जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भागवत गीता है ये कब आती है? ये आती है एट द टाइम व्हेन द वॉर इज अबाउट टू बिगिन, और अर्जुन ये कहते हैं कि कृष्ण से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, आई वांट टू डू अ कंपैरिजन दोनों सेनाओं का कि कितनी स्ट्रेंथ है क्या है। सो कृष्ण सारथी होते हैं, वो रथ को दोनों सेनाओं के सेंटर में ले जाते हैं बैटल फील्ड के। सो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक सेटिंग, यू नो, दो ओपोनेंट्स हैं बीच में युद्ध भूमि के सेंटर में वो है। अर्जुन वहां पे जाके इंस्टेड ऑफ डूइंग अ कंपैरिजन वो एक डिलेमा में फंस जाते हैं, वो एक कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। कंफ्यूजन क्या कि जब वो देखते हैं अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, अपने पितामह को, भीष्म को, अपने भाइयों को, तो वो एक नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाता है अर्जुन के लिए, और वो डिलेमा में फंसते हैं कि मैं इनसे लड़ूंगा या ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, या ये तो मेरे गुरु हैं, या ये तो मेरे पितामह हैं जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया, सो आई हैव टू किल देम, सो मैं इनसे लड़ूंगा। सो एक डिलेमा है वहां पर। उस डिलेमा में अर्जुन सवाल करते हैं कृष्ण से, और कृष्ण उस समय जवाब देते हैं उनके उन सवालों का, तब ये जो कॉन्वर्सेशन आती है ये गीता कहलाती है। तो तरुण, जिस प्रेजेंट सिनेरियो में हम रह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी भी के हिसाब से भी बहुत साउंड है, साइंस में भी काफी हम रोज प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पढ़ा है, काफी जगह देखा है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी शायद जाना होगा, जानते होंगे कि जो मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें गीता के जो लेसन्स वगैरह दिए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ गुड मैनेजमेंट एंड ऑल, तो गीता के आज के टाइम में रेलेवेंस इम्पोर्टेंस क्या है? सो गीता का इम्पोर्टेंस इसमें नहीं है कि ये कृष्ण ने कही है, या कृष्ण को हम भगवान मानते हैं तो ये भगवान ने कही है। गीता का इम्पोर्टेंस इसमें है कि ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का डॉक्यूमेंट है, और ये कंफ्यूजन जो है ये हर इंसान को रोजमर्रा के जिंदगी में होता ही है। कभी हमें बच्चों को लेकर कंफ्यूजन होता है, कभी हमें हमारी रिलेशनशिप्स को लेकर कंफ्यूजन होता है, कभी करियर को लेकर कंफ्यूजन होता है, कभी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन होता है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने का जो प्रोसेस है वो गीता सिखाती है। बेसिकली यहाँ पर कृष्ण जो है वो अंतरात्मा का काम कर रहे हैं। अर्जुन सवाल करता है और कृष्ण उसकी अंतरात्मा बन के जवाब देते हैं, तो ये एक मेजर चीज है। तो भगवद गीता असल में कहती क्या है? भगवद गीता कहती है तीन चार चीजें, मैं आज के हिसाब से बताता हूं मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पे, कि एक तो थिंक बिग, नो, व्हेनेवर यू आर इन अ कंफ्यूजन कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें आप जब उसको तोलो किसी स्केल पे
तो वो स्केल हमेशा बड़ा स्केल यूज करो. जैसे मान लीजिए कि कोई काम आपके लिए बेनिफिशियल है पर आपकी फैमिली के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो आप वो काम नहीं करोगे, बिकॉज फैमिली इज अ बिगर स्केल. सिमिलरली कोई काम अगर आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है बट आपकी कंट्री के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्री इज अ बिगर स्केल. दूसरे गीता ये कहती है कि बैलेंस बना के एक चलना बहुत जरूरी है लाइफ में. इनफैक्ट हिंदुइज्म की पूरी आइडियोलॉजी में अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस है तो वो है टू क्रिएट अ बैलेंस. किसी भी चीज की स्केर्सिटी भी अच्छी नहीं है और किसी भी चीज की अबंडेंस भी अच्छी नहीं है. सो अगर आप बैलेंस बना के चलते हो अपने थॉट्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने डिसीजंस में, अपने करियर में, अपने हर एक तरह से, नेचर का लॉ भी है बैलेंस. तो अगर आप बैलेंस बना के चलते हो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है. तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गीता कहती है वो ये कि योर कंट्रोल इज ओवर योर एक्शंस. आप जो काम करते हो, जो आप काम कर रहे हो, आपका कंट्रोल सिर्फ उस एक्शन पे है. आपका फोकस अपने उस एक्शन पे ही रखो, आप उसका फोकस उस एक्शन के रिजल्ट पे मत रखो. कारण ये कि बिकॉज अगर आप फोकस, इससे दो तीन चीजें होंगी, अगर आप फोकस अपना रिजल्ट पे रखोगे तो आप अपना 100% फोकस एक्शन पे नहीं रख पाओगे, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. दूसरी चीज, अगर आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए उस काम को करने के बाद, सो बिकॉज योर फोकस वॉज ऑन द एक्शन, ऑन द रिजल्ट रादर देन एक्शन, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा. तो उस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए भी इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक्शन पे फोकस रखो, फुल एफिशिएंसी से वो एक्शन परफॉर्म करो एंड देन लीव द रिजल्ट्स जैसा भी वो आता है. सो ये चीज गीता सिखाती है एंड शायद यही कारण है कि ये मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है, बिकॉज मैनेजमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स है बैलेंस, फोकस एंड क्लैरिटी. क्या हुआ अर्जुन? इस समय न्याय अन्याय के बीच जब धर्म न्याय के लिए चित्कार रहा है, तब तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हो? ये नपुंसकता तुम में कैसे आ गई कौन थे? जिसे आप कर्तव्य कह रहे हैं केशव, वो कर्तव्य केवल मुझसे मेरे प्रियजनों की हत्या करवा रहा है. क्या एक सिहासत के लिए मैं अपने भाई बंधुओं को मार दूं? मेरे भीष्म पितामह, ये मेरे आचार्य द्रोण और जो मेरे प्रियजन है, क्या उन पर मैं बाण चला दूं? क्या यही कहता है आपका धर्म? अर्जुन अर्जुन, ये तुम्हारा केवल एक दृष्टिकोण है जिसे तुम धर्म समझ रहे हो. जिससे तुम्हारा युद्ध है वे परिजन तुम्हारे नहीं है, वो समाज के शत्रु जिनके हाथ में अगर सत्ता चली गई तो समाज बिखड़ जाएगा. इसलिए भी तुम्हारा युद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि भ्राता युधिष्ठिर इस समाज को प्रगति पर ले जा सकते हैं. किंतु जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है उनका कोई महत्व नहीं. क्या तुम जानते हो ये पिछले जन्म में कौन थे और अगले जन्म में ये कौन होंगे? तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा इनसे पिछले जन्म में क्या संबंध था? नहीं ना पार्थ, तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम्हें भूत और भविष्य का ज्ञान है और मुझे समय के आरंभ से समय के अंत तक की घटनाओं का पूरा ज्ञान है. धन्यवाद केशव, अब मेरी सभी शंका दूर हो चुकी है. अब ये अर्जुन इस युद्ध का भागीदार होगा. तो आज हम आखिर में ये कहना चाहेंगे कि गीता जो है, चाहे इंसान ने कही हो चाहे भगवान ने, लेकिन ये लिखी इंसानों के लिए गई है और इसका सार जिसने समझा है उसका जीवन हमेशा ही बेहतर रहा है. तो आज के लिए हम फिर से एक बार विदा लेना चाहेंगे. यदि आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. मैं वैभव लेता हूँ विदा मेरे माइथोलॉजिस्ट तरुण गुप्ता के साथ. शुक्रिया.